दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे और ये खबर आई है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं अभी पिछले ही हफ्ते फ्रांस से भारत को 3 राफेल एयरक्राफ्ट मिले थे और अब एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन विश्व में जहाँ दुनिया में सबसे ऊपर है हथियारों की सही समय पर डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस के मामले में, जहाँ एक तरफ रूस है जो हथियारों को बेचता तो है मगर उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है एयरक्राफ्ट में तो वो साथ नहीं देता, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल भी है मिग एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया गया और अक्सर इस एयरक्राफ्ट से दुर्घटना हो जाती थी। मगर रूस ने भारत की मदद कर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाया, जिसकी भारत ने कई बार मांग भी की थी। बहरहाल आते हैं राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो दोस्तों जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि फ्रांस इस साल के अंत तक भारत को कुल 35 ओमनी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी करेगा, जबकि एक आखिरी लड़ाकू विमान उत्तर बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर एक्टिव होने के लिए जनवरी 2022 में सोलो जर्नी करेगा। 26 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी फ्रांस द्वारा पहले से ही की जा चुकी है, जिनमें से 24 विमानों को भारत में उतारा गया है, जबकि 2 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट और तकनीशियन प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रखा गया है। फ्रांस की विश्वसनीयता को देखते हुए भारतीय वायुसेना IAF और भारतीय नौसेना ने पावर रेशो और समुद्री हमले की क्षमता की वजह से राफेल में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय वायुसेना भविष्य में 36 और राफेल हासिल करना चाहती है, जबकि नौसेना राफेल AM को अगले साल शुरू होने वाले INS विक्रांत पर एक लड़ाकू विकल्प के रूप में देख रही है। पश्चिमी और पूर्वी थिएटर में राफेल के शामिल होने के बाद भारत की युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। फ्रांसीसी फाइटर उपमहाद्वीप में सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उल्का मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली हैमर और स्केल मिसाइल से लैस है। आपातकालीन खरीद के तहत भारत द्वारा अधिग्रहित हैमर मिसाइल को 70 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले लक्ष्य को साधने के लिए मात्र 500 फीट की ऊंचाई पर छोड़ा जा सकता है। फ्रेंच राफेल की डिलीवरी समय से थोड़ी आगे चल रही है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में राफेल की मौजूदगी, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की ही रक्षा प्राथमिकता है, और इस वजह से इस क्षेत्र में राफेल की तैनाती से चीन खासा परेशान है, क्योंकि चीन आए दिन इन क्षेत्रों में के पास अतिक्रमण करने की कोशिशों में लगा रहता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।